वेलकम टू बॉलीवुड पंचनामा, जहां हम लेकर आते हैं पुराने बॉलीवुड फिल्मों का पंच एक नए अंदाज के साथ। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हॉरर और थ्रिलर फिल्म बनाने में हॉलीवुड से काफी पीछे चल रही है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को ये लगता है कि हमारी अधिकतम ऑडियंस मार धाड़ और मसाला फिल्मों के ज्यादा शौकीन है और हमारी ऑडियंस एक्चुअल में है। इसके चलते बॉलीवुड फिल्मों में यूनिक कॉन्सेप्ट्स और थीम्स की शॉर्टेज चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में बॉलीवुड में नहीं चलती। फिल्में जैसे कि महल, 20 साल बाद, वो कौन थी और रामसे ब्रदर्स की फिल्में जैसे कि वीराना, पुरानी हवेली, सामरी, पुराना मंदिर को आज भी ऑडियंस काफ़ी चाव से देखते हैं। वर्ष 1979 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन इसी श्रेणी में रिलीज हुई एक पॉपुलर फिल्म है, जिसे आज भी ऑडियंस काफ़ी चाव से देखती है। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था राजकुमार कोहली ने शंकर मूवीज़ के बैनर तले। ये फिल्म उस वर्ष की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने सबको हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ये फिल्म एक मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी जिसमें कई सारे दिग्गज अभिनेता थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोहली जी ने इस फिल्म की कहानी को गाँव के एक लोक कथा के इर्द गिर्द बुना था। फिल्म की कहानी लिखी थी हकीम लता ने और इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे इंदर राज आनंद ने। दोस्तों, फिल्म जानी दुश्मन के गाने काफ़ी लोकप्रिय थे और इन गानों को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मशहूर जोड़ी ने। फिल्म का गाना सारे रिश्ते नाते तोड़ के और ओ मेरी जान बोल मेरी जान काफ़ी पॉपुलर हुए थे। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि फिल्म जानी दुश्मन की रीमेक की बागडोर अगर एस हॉरर डायरेक्टर अमर कौशिक के हाथों में दी जाए तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अमर कौशिक की वरुण धवन के साथ जल्दी भेड़िया नामक की मूवी आने वाली है, जो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। वही फिल्म में म्यूजिक अगर रवि बसरूर का हो तो गाने सुनने में मज़ा आ जाए। म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसरूर ने फिल्म KGF में अपना संगीत दिया था और उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक और संगीत काफ़ी पॉपुलर हुए थे। दोस्तों, अब हम जानते हैं फिल्म जानी दुश्मन के ओरिजिनल स्टार कास्ट के बारे में। इस फिल्म में सुनील दत्त ने निभाया था लखन का किरदार। संजीव कुमार इस फिल्म में ठाकुर के किरदार में नजर आए थे। जितेंद्र इस फिल्म में अमर के गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में शेरा के किरदार में नजर आए थे। विनोद मेहरा ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर मेहरा का किरदार निभाया था। रजा मुराद ने इस फिल्म में ज्वाला प्रसाद उर्फ मॉन्स्टर का किरदार निभाया था। अमरीश पुरी ने इस फिल्म में पहले मॉन्स्टर का किरदार निभाया था। फिल्म के अन्य किरदारों में थे रेखा, रीना रॉय, नीतू सिंह, बिंद्या गोस्वामी, विक्रम, योगिता बाली, सारिका, शक्ति कपूर, मैकमोहन, मदन पुरी, जगदीप पेंटल, अरुणा ईरानी और अन्य कलाकार। दोस्तों, फिल्म जानी दुश्मन की रीमेक में लखन के इंटेंस किरदार को निभा सकते हैं शाहरुख खान। दोस्तों, शाहरुख खान एक वर्सेटाइल एक्टर है, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि आज तक उन्होंने किसी भी हॉरर फिल्म में काम नहीं किया है। हालांकि उन्होंने फिल्म चमत्कार में एक अहम किरदार निभाया था, लेकिन वो फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी और ना कि एक हॉरर फिल्म। शेरा के किरदार को निभा सकते हैं सलमान खान। शेरा का किरदार एक पावरफुल किरदार है, जिसे एक पावरफुल एक्टर ही निभा सकते हैं, जो हमारी नज़र में सलमान खान है। सलमान खान ने कुछ ऐसे ही किरदार फिल्म सूर्यवंशी और वीर में भी निभाया था और ऑडियंस सलमान खान को इस रूप में देखना जरूर पसंद करेंगे। साथ ही साथ सलमान खान और शाहरुख खान अगर किसी हॉरर फिल्म में साथ में काम करें तो उस फिल्म को जरूर फायदा होगा। ठाकुर के किरदार को निभा सकते हैं अजय देवगन। ठाकुर का ये किरदार काफी ही इमोशनल और इंटेंस किरदार है और इस किरदार को अजय देवगन आसानी से निभा सकते हैं, क्योंकि अजय देवगन की एक्टिंग में जो इंटेंसिटी और जो डेप्थ है वो इस किरदार की जरूरत है। इंस्पेक्टर मेहरा के किरदार को निभा सकते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने अपनी कई फिल्मों में इंस्पेक्टर का किरदार बखूबी निभाया है। हाल ही में आई उनकी फिल्म सूर्यवंशी में भी अक्षय कुमार ने इंस्पेक्टर सूर्यवंशी का किरदार निभाया था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म में पहले मॉन्स्टर के किरदार में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक सही पसंद होंगे। नवाज ने फिल्म रमन राघव में कुछ ऐसा ही खतरनाक किरदार निभाया था और जिस रोल के लिए नवाज की काफी तारीफ भी हुई थी। ज्वाला प्रसाद और राक्षस के इंट्रेंस किरदार को निभा सकते हैं आशुतोष राणा। आशुतोष राणा एक तगड़े और जबरदस्त अभिनेता है।
जिन्होंने फिल्में जैसे कि संघर्ष और दुश्मन में एक साइकोटिक किलर का रोल निभाया था, जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया है। और इस राक्षस वाले किरदार में आशुतोष राणा की डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग लोग जरूर पसंद करेंगे। फिल्म के अन्य किरदारों में हो सकते हैं दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट जैसे दिग्गज कलाकार, जो इस मल्टी स्टारर फिल्म में और चार चांद लगा सकेंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं फिल्म जानी दुश्मन की कहानी के बारे में। फिल्म की कहानी है ज्वाला प्रसाद की, जो आगे चलकर एक राक्षस बन जाता है। ज्वाला प्रसाद को अपने सपनों की लड़की से शादी करने की इच्छा होती है, लेकिन शादी की रात उसकी पत्नी, जो लाल रंग की कपड़े पहनी हुई होती है, दूध में जहर मिलाती है और जिसे पीकर ज्वाला प्रसाद मर जाता है। मृत्यु के बाद ज्वाला प्रसाद बन जाता है एक राक्षस और उस गांव को आतंकित करने लगता है। वो लाल रंग पहने हुए नई नवेली दुल्हन का अपहरण करता है और उन्हें मार देता है। जब एक दूल्हा उस राक्षस का सामना करता है और उसे मारता है, तो ज्वाला प्रसाद की वो आत्मा उसके शरीर को छोड़ देता है और हत्यारे दूल्हे के शरीर को अपना लेता है। सस्पेंस बढ़ता ही जाता है, क्योंकि एक के बाद एक दुल्हने मरती जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि असल में ये क्यों हो रहा है। गांव के पुजारी ठाकुर और उनके बेटे और कई लोगों पर शक की उंगली उठती है। रहस्य अंत में सुलझता है और राक्षस से वादा लिया जाता है कि वह अब किसी भी शरीर पर कब्जा नहीं करेगा और अपने हत्या करने की होड़ को वही समाप्त कर देगा। यही है इस फिल्म की कहानी। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए टॉप फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि राजकुमार कोहली ने इस टाइटल से वर्ष 2002 में अपने बेटे अरमान कोहली को लेकर एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम भी जानी दुश्मन रखा गया था। उस फिल्म में अमरीश पुरी और रजा मुराद ही दो ऐसे एक्टर थे जो दोनों जानी दुश्मन में नजर आए थे। दोस्तों, इस फिल्म का असर कुछ गांव पर इतना गहरा पड़ा था कि कुछ लोग दुल्हन की शादी के कपड़े लाल रंग के नहीं खरीदते थे। दोस्तों, संजीव कुमार ने इस फिल्म में दूसरी बार ठाकुर का रोल निभाया था। इससे पहले फिल्म शोले में उन्होंने ठाकुर का रोल निभाया था। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस फिल्म के मॉन्स्टर वाले कॉस्ट्यूम को बाद में कांति शाह ने फिल्म प्यासा हैवान में इस्तेमाल किया था। इस फिल्म में विनोद मेहरा द्वारा निभाए गए पुलिस ऑफिसर का रोल पहले धर्मेंद्र को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। इस फिल्म की कहानी द वुल्फ मैन एंड द कर्स ऑफ वेयरवुल्फ की कहानी से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को शुरू में ऑब्जेक्ट किया था, क्योंकि वे ये मानते थे कि ये फिल्म अंधश्रद्धा को प्रमोट करता है। लेकिन राजकुमार कोहली ने इस फिल्म के लिए कोर्ट में संघर्ष किया और अंत में कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में आया। इस फिल्म का कॉस्ट्यूम भानु अथिया ने डिजाइन किया था। भानु अथिया वही महिला है जिन्हें वर्ष 1982 में रिलीज हुई फिल्म द गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो ये थे इस फिल्म के टॉप फैक्ट्स। दोस्तों, आप जानते हैं फिल्म जानी दुश्मन के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म का बजट लगभग 1.5 करोड़ का था और पहले हफ्ते में इस फिल्म ने लगभग 28 लाख की कमाई की थी। इस फिल्म ने भारत में लगभग 4.5 करोड़ की कमाई की थी और दुनिया भर में इस फिल्म ने लगभग 9 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ये आपका चैनल है, हम ज्यादातर वीडियो आपके सुझाव पर ही बनाते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अगले मूवी का सजेशन डालना ना भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना ना भूलिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इसके अलावा भी बॉलीवुड पंचनामा के पास और बहुत कुछ है। ऊपर के बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखिए। नीचे के बॉक्स को दबाकर आप देख सकते हैं हमारे पॉपुलर वीडियोस। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।